परिवार हमारा साथ ही रहेगा और हमको उसको आगे चलकर जो मदद चाहिए हम करेंगे उसको, उसका बिजनेस को भी डेवलप करेंगे हम मिलकर, तो उसको भी आगे लेके जाएंगे परिवार को, आज वो नहीं तो भी उसका परिवार का आशीर्वाद, उसका आशीर्वाद उसका परिवार और माई लाइफस्टाइल के लिए हमेशा रहेगा। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। सेकंड, सारे ITC को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, सारे रैंक होल्डर्स CTC NTC सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं दिल से मन से वंदन करता हूँ। सर मेरा पॉइंट आज क्लियर है, मैं आज आपसे 15 मिनट का बात करने के लिए आया। क्या है, आज देखा जाएगा तो एज अ रीजनल मैनेजर मैं पहला कोविड सिचुएशन से लेकर आज तक मैं देखे आ रहा हूँ, मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में जुड़ता है, बट कुछ लोग इस बिजनेस को कहीं ना कहीं लेवल में समझकर इस बिजनेस को एक लेवल से दूसरा लेवल लेके जाता है, इस बिजनेस को कर देता है, बट कुछ लोग कहीं ना कहीं एक माइंड ब्लॉकेज का वजह से रुक जाता है। सपोज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लास्ट कोविड हुआ था, लास्ट कोविड में मैक्सिमम सेल्स हम लोग ने लेके आया, कम से कम लगभग हफ्ते का, मतलब आप देखेंगे तो लास्ट कोविड में 1-2 करोड़ का हफ्ते का सेल्स हम लोग ने लेके आया। सारे लीडर्स लोग मिलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में धूम बचा हुआ था, रिपर्चेज चल रहा है, सब चल रहा है, बट कुछ लोग वही सिचुएशन में है। अगर एक आदमी, सब समझ लीजिए मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं जा सकता हूँ बिजनेस लेके आ सकता हूँ, तो दूसरा जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है वो फील्ड में नहीं जा पा रहा है। ये क्यों नहीं जा पा रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल एक आ रहा है, क्योंकि उसका माइंड एकदम ब्लॉक हो गया। भाई अभी तो कोरोना हो गया, अभी कहीं बाहर नहीं निकल सकता है हम लोग, तो आज मतलब हम लोग ये कोरोना खत्म होने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। बट एक बात मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, आज मेरा लाइफ में जो हुआ घटना के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेरा निवेदन है और रिक्वेस्ट है, ये आपको करना बहुत जरूरी है करके। आज हम बोलते हैं खुद का रिपर्चेस करो और हमारा प्रोडक्ट को यूज करो करके। मैं बता रहा हूँ, मेरा माँ आज 70 उम्र है, कितना है 70 उम्र है मेरा माँ का। मेरा माँ चेन्नई में रहता है, अकेले रहता है, बट पहला कोविड आया, उसके बाद अभी सेकेंड कोविड आया, पूरा चेन्नई लॉकडाउन है। मैं आपको रियल ये बता रहा हूँ, ये आज 70 उम्र में मेरा माँ का डेली रूटीन क्या है, सुबह उठता है, मंदिर जाता है, मेरा माँ का एक माँ ने एक मंदिर को मतलब जाकर पूजा करता है, और प्लस उस मंदिर को सफाई करके उसको भगवान को नलाता है, और नला के पूजा करके आता है। ये डेली रूटीन है माँ का, और नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, ऐसे जो सब्जी लेने के लिए जा रहा है, जो लोगों से मिलकर थोड़ा सा डिस्टेंस से बात कर रहा है, बट आज तक भगवान का दया से मेरा माँ को कोरोना इतना इफेक्ट नहीं हुआ आज 70 उम्र में। ये क्यों बता रहा हूँ, लास्ट कोविड हुआ था तब से मेरा माँ को कवच प्रेस और आयुष वास जो मैं देख के आ रहा हूँ आज का दिन में माँ को, माँ मतलब 2 दिन में एक बार, बिकॉज पहले तो कंटिन्यू डेली खा रहा था, बीच में कोविड थोड़ा कम हुआ था, तो वो 2-3 दिन का बाद एक बार आयुष वास और कवच प्रेस लेके आ रहा था, अभी फिर उसने चालू किया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आज का दिन में 50 उम्र का आदमी बाहर जाने के लिए डरता है, और मेरा माँ 70 उम्र होते भी आज इस कोविड को स्ट्रगल मतलब बीट करने के लिए, फाइट करने के लिए माँ का अंदर ताकत है, तो ये माई लाइफ स्टाइल का प्रोडक्ट है। मैं आपको ये बात सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा फैमिली के अंदर भी कोविड हुआ, सबको हुआ, बट एक बात हम लोग को ध्यान रखना है सर, ये कोविड जो आदमी को अटैक करता है तो सबसे ज्यादा अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, किसका इम्यूनिटी कम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो आप, मेरा कहना है आज हम सब एक परिवार